हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल आजाद हाई स्कूल। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज जो है वो इस वीडियो के अंदर पूरी कवर करेंगे। 4.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर सॉल्यूशंस। कुछ इक्वेशंस आपको दी होंगी, उनको आपने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को भी चेक करना है कि जो आपका आंसर आया है, जो वेरिएबल की आपने वैल्यू निकाली है, वो जो आंसर निकला है वो सही है या गलत है। तो उसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका वो जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में फॉलो किया था। अब एक और मेथड होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड होता है ट्रांसपोजिंग वाला मेथड, ठीक है। तो हम इन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके आपको बताएंगे। जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द ए पार्ट इज 3x + 7/2 = 11/2। जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। 3x + 7/2, ये वाली जो 7/2 तक हमारी जो साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, ये हमारी एक्सप्रेशन है। और ये अगर इक्वल टू का साइन लग जाता है और दूसरी साइड राइट हैंड साइड में कोई नंबर आता है, तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाती है, हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको दो मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक बीच में लाइन लगा देते हैं। इस साइड में आपको मेथड बताऊंगा जो हम एक्सरसाइज 4.2 में फॉलो किया था। तो सॉल्यूशन, तो 4.2 में हमने कौन सा मेथड सॉल्व किया था, कौन सा मेथड फॉलो किया था, कि हमने x को सेपरेट करना होता है बाकी वाले नंबर्स से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x + 7/2 है, तो सबसे पहले हम 7/2 को जो है वो सेपरेट करेंगे। तो 7/2 को रिमूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में से मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7/2 से, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट 7/2 फ्रॉम बोथ साइड से हमने 7/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, इक्वेशन हमारी किस तरह से बन जाएगी, 3x + 7/2 - 7/2 = 11/2 - 7/2, ठीक है। अब देखिए 7/2 - 7/2 दोनों सेम नंबर्स हैं, लेकिन एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या फिर जीरो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दिस मीन्स अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3x बचा लेफ्ट हैंड साइड में, 3x = अब देखिए राइट हैंड साइड को किस तरह से सॉल्व करेंगे, 11/2 - 7/2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 2 यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 हमारा एलसीएम आएगा। और ऊपर क्या हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, 11 - 7, ठीक है। दिस मीन्स 3x = 11 में से 7 गए तो कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है, 4/2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2 × 4 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन और हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x = 2। अब देखिए 3x, अब यहाँ पे x को हमने अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे इस 3 को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो 3 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स को, ठीक है। तो अगर बोथ साइड्स को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, 3 के साथ डिवाइड करना है, 3x / 3 = 2/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/3, तो 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आ गया हमारा मेथड 1 जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में देखा था, मेथड 1। अब ट्रांसपोजिंग वाला मेथड, दूसरा मेथड जो है, जो हमारा ट्रांसपोजिंग वाला मेथड है, उसको देख के हम इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x + 7/2 = 11/2। अब ट्रांसपोजिंग मेथड से, ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या चीज़ आपने देखनी होती है
कि जो x वाली टर्म्स है, अब देखिए ये पूरी हमारी x वाली टर्म है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देना है। और जो कांस्टेंट टर्म्स होगी, कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, एक 7 अपॉन 2 है और एक 11 अपॉन 2 है। 11 अपॉन 2 तो ऑलरेडी लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, ठीक है। सिर्फ 7 अपॉन 2 जो है वो हमारा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 7 अपॉन 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड। लेकिन जब भी किसी टर्म को हम ट्रांसपोज करते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, द साइन विल गेट चेंज्ड, ठीक है। तो उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, हमने ट्रांसपोजिंग तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो जो x वाली टर्म्स हैं उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, तो 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद जो राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हमने सबसे पहले लिखना है, तो क्या है यहाँ पे 11 अपॉन 2 है। अब देखिए, अब ये 7 अपॉन 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको ट्रांसपोज करके हमने राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो जब हम राइट हैंड साइड में इसको लेके आएंगे तो ये पहले प्लस का साइन था इसका, तो लेकिन जब हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन 2। इस तरह से हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी नंबर को। अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं किसी भी को नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो दिस मीन्स 3x इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 और 2 का एलसीएम 2, और ऊपर क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में 11 -7। तो दिस मीन्स 3x इक्वल टू, 11 में से 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो 2 टू 4, तो दिस मीन्स 3x इक्वल टू 2। अब देखिए यहां से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो x को लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 2, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा सीधा। ये मेथड है ट्रांसपोजिंग का मेथड किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हैं, आपने दोनों मेथड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और दोनों मेथड से आपने इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आगे देखते हैं, अभी हम आगे के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे के सारे हम बाय ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो बी पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट इज 5x प्लस 18 इक्वल टू 8, ठीक है। इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आती है, तो बाय ट्रांसपोजिंग में क्या होगा, एक्स वाली जो टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में टर्म है वो क्या है हमारी 8 है। अब इस 18 को भी हमने कहाँ पे लेके जाना है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जब लाएंगे तो 18 का साइन पहले क्या था, प्लस का था, लेकिन जब राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इसका माइनस का, तो -18। तो दिस मीन्स 5x इक्वल टू, अब 18 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, और 18 का साइन जो है वो माइनस का, तो 18 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को तो क्या आएगा, आंसर 10, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 18 और 8 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 18 है, और 18 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन किसका लाएंगे, माइनस का, क्योंकि 18 जो है वो ग्रेटर नंबर है और 18 का जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का है, माइनस का है। तो देखिए अब दिस मीन्स एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, -10, और 5 जो है ये वाला 5 जो है वो डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 2 10, तो दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन ये और 2 के साथ डिवाइड हुआ, x इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसी के आगे है नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट है, पार्ट नंबर सी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। x अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल टू 12। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो ट्रांसपोज करेंगे हम बाय ट्रांसपोजिंग, तो ट्रांसपोजिंग करके क्या आएगा, एक्स वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, तो एक्स अपॉन 5 को हम इसी साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 12 है, सबसे पहले 12 को लिखेंगे, फिर 3 को जब इधर लेके जाएंगे तो 3 पहले प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ऑलराइट, दिस मीन्स x अपॉन 5 इक्वल टू 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 हमारा न्यूमरेटर में है, अब इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 1 है। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, दिस मीन्स इस स्टेप को मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, x अपॉन 5 इक्वल टू 9 अपॉन 1, ये हमारा इक्वेशन आई, ठीक है।
अब यहां से किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब यहां से भी हम इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड होता है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको x की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, x के बराबर ही, तो इक्वल टू x। दूसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 9 की 5 के साथ, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीच में साइन इक्वल टू क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, बीच में साइन इक्वल टू का डाला और 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, दिस मीन्स x इक्वल टू 9 5 सा 45, तो ये आ गया हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन, x इक्वल टू 45 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आगे नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर डी की ओर, द पार्ट नंबर डी इज r अपॉन 7 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बाय ट्रांसपोजिंग, सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, बाय ट्रांसपोजिंग वेरिएबल वाली जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, तो वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, r अपॉन 7 है, r हमारा वेरिएबल है, तो ये पूरी टर्म कौन सी होगी, हमारी वेरिएबल वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 है राइट हैंड साइड में, 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस का 2 है तो इधर आके ये माइनस का 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो दिस मीन्स r अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, नंबर दोनों ऐड होंगे 2 1 3, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो हमारा ग्रेटर नंबर है 1 से, और 2 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए नंबर क्या यहां पे साइन क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस का 3। अब देखिए आर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा टर्म है वो फ्रैक्शन में है, लेकिन राइट हैंड साइड में टर्म जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे हम अज्यूम कर लेंगे कि माइनस 3 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। अब सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं यहां पे, r अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे r की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ और माइनस 3 की मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा, पहले r को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, इक्वल टू का साइन है बीच में, और फिर माइनस 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 के साथ, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस मीन्स r की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो r आएगा इक्वल टू 7 3 जा 21 और साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन, r इक्वल टू माइनस 21 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऑलराइट, इसे क्या आगे करते हैं, d के बाद e पार्ट करते हैं, e पार्ट इज 6z प्लस 10 इक्वल टू माइनस 8। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, वेरिएबल वाली टर्म हमारी एक ही है 6z इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे माइनस 8, 10 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस का 10 था, इधर आके माइनस का 10 हो गया, 6z इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 10, ऐड हो जाएंगे दोनों 10 और 8 18, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा नंबर है 8 से और 10 का साइन जो है वो माइनस का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 18। अब देखिए दिस मीन्स z इक्वल टू माइनस 18, 6 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, 6 1 जा 6 6 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हो गया हमारा e पार्ट, इसके बाद करते हैं f पार्ट, एक करते हैं f पार्ट, देखिए पार्ट नंबर f, पार्ट नंबर f क्या दिया हुआ है, 3x अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज करने वाला कुछ भी नहीं है, ये हमारी वेरिएबल वाली टर्म ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है और जो कांस्टेंट टर्म है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सीधी सीधी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 की मल्टीप्लीकेशन 3x के साथ और 3 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2x के साथ, तो देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ इक्वल टू, फिर 3 के मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2 के साथ, दिस मीन्स 3 इंटू 4 4 3 जा 12 इंटू x 12x इक्वल टू 3 2 जा 6, दिस मीन्स x इक्वल टू 6 अपॉन 12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो क्या आ गया हमारा आंसर, x इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद एक ही पार्ट बचा है जो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसका सलूशन जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को भी चेक करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ए पार्ट है 3 मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 12। ठीक है, अब अगर इस तरह से आपको कोई इक्वेशन दी रहेगी, जैसे ये दी है 3 ब्रैकेट x माइनस 3, इसका मीनिंग क्या है कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 के साथ। ऑलराइट, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब इसका मतलब क्या है, 3 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, x माइनस 3 के साथ जो ब्रैकेट्स के अंदर है, इक्वल टू 12 इक्वल टू। अब देखिए जब 3 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है x माइनस 3 के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 की मल्टीप्लीकेशन जो है वो x के साथ भी हो रही है और 3 की मल्टीप्लीकेशन जो है वो 3 के साथ भी हो रही है जो ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं, तो हम इसको सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी। ठीक है, मीन्स पहले 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे x के साथ और फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 3 के साथ। तो देखिए पहले 3 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ, तो 3 इंटू x क्या आ जाएगा, 3 इंटू x, फिर माइनस का साइन, फिर 3 के मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर जो 3 है उसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। देखिए आगे क्या होगा, दिस मीन्स 3 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 12। अब ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, तो दिस मीन्स 3x इक्वल टू 9 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो 12 माइनस का 9 है, ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं ट्रांसपोजिंग करते हुए। मीन्स कोई भी टर्म को आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, तो उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस मीन्स 3x इक्वल टू 12 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो दिस मीन्स x इक्वल टू 21 अपॉन 3 जो है वो डिविजन में आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 3 21, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 7। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 तो निकाल ली हमने, अब हमें चेक भी करना है कि जो x की वैल्यू हमने 7 फाइंड आउट की है वो सही है, वो सॉल्यूशन है इक्वेशन का या फिर नहीं है। तो चेक करने के लिए देखिए, चेक मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 7। x की वैल्यू क्या आई है, 7, और वही x की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, तो 3 4 जा 12 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 12 दिया है, तो राइट हैंड साइड में भी 12 है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, तो इट मींस जो x इक्वल टू 7 हमने फाइंड आउट किया है इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। इसी के आगे करते हैं बी पार्ट, इसका एक बार बी पार्ट सॉल्व करके उसको चेक करते हैं। तो देखिए बी पार्ट क्या है, 3 ब्रैकेट्स पी प्लस 4 इक्वल टू 21। इसका मीनिंग क्या है, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पी प्लस 4 के साथ, और इक्वल टू है 21 के साथ। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, सेम मेथड जो पीछे वाले पार्ट में किया, पहले 3 की मल्टीप्लीकेशन p के साथ और फिर 3 की मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई p, पहले 3 की मल्टीप्लीकेशन करी p के साथ, अब बीच में साइन क्या है, प्लस का है, फिर 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 21। अब 3 की मल्टीप्लीकेशन p के साथ, तो 3 इंटू p क्या आ जाएगा, 3p प्लस 3 की मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, 3 4 जा 12 इक्वल टू 21। अब ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, तो दिस मीन्स 3p इक्वल टू 21, 12 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का 12 था, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस 12, तो दिस मीन्स 3p इक्वल टू 21 में से 12 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, तो दिस मीन्स p इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, तो p की वैल्यू हमारी क्या आई, 3 आई। ठीक है, p इक्वल टू 3, अब p इक्वल टू 3
ये चेक करना है कि वेदर इट इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। सो चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 3 × p + 4 = अब p की वैल्यू फाइंड आउट, p की वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 3, p इक्वल टू 3 के बराबर है। तो 3 p की जगह पे 3 + 4 = 3, ब्रैकेट्स में 3 एंड 4 7 और 7 × 3 = 21। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया, 21। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 21। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 21 जो है वो इक्वल टू है 21 के बराबर। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर हमारा जो p इक्वल टू 3 हमारी वैल्यू आई है, वेरिएबल की जो वैल्यू हमने 3 निकाली है, दैट इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं जो आप खुद से निकालिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर सॉल्व की जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर सॉल्यूशंस। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर टू है, ए पार्ट है इसका, 3 = 8 × x - 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, 3 = 8 की मल्टीप्लीकेशन पहले x के साथ और फिर 8 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। तो 8 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ 8 × x, बीच में साइन माइनस का, और 8 × 3, दिस मीन्स 3 = 8 × x, 8x हो जाएगा, माइनस 8 × 3 = 24। ठीक है, दिस मीन्स, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो x वाली टर्म्स होंगी वो आपने कहाँ पे रखना है, उसको ऑलवेज आपने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। सो दैट क्योंकि हमें जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आती है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम और लिख लेते हैं। और अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है, ये 8x - 24, तो 8x - 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, इक्वल टू जो 3 था जो लेफ्ट हैंड साइड में था, उसको हम 3 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में जब जाता है तो राइट माइनस के साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूरी पूरी टर्म जो है वो ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 3x + 4 = 5 है, तो अगर मैं 3x + 4 को, इस पूरी टर्म को, इस पूरी एक्सप्रेशन को इस साइड में ले आऊँ और 5 को पूरा इस साइड ले आऊँ, तो क्या बन जाएगी मेरी एक्सप्रेशन, 5 को इस साइड ले आया इक्वल टू 3x + 4 हो गया। तो इस केस में साइंस जो है वो चेंज नहीं होंगे। साइंस कब चेंज होंगे, जब किसी भी टर्म में, किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे अगर 3x + 4 होता इक्वल टू 5, अगर सिर्फ एक उसमें एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक टर्म को मैंने ट्रांसपोज करना होता दूसरी साइड में, तो साइंस चेंज होंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो अगर मेरे पास 4 = 5 लिखूं या 5 = 4 लिखूं, तो इसका मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो सेम यहाँ पे अगर 3 = 8x - 24 है या फिर 8x - 24 = 3 है, तो ये दोनों क्या है, सेम ही है, इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे। अब देखिए हम एक नंबर को ट्रांसपोज करेंगे, सिर्फ 24 को हम ट्रांसपोज करके कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स 8x = 3 + 24। तो दिस मीन्स 8x = 24 + 3 = 27। ऑलराइट, तो दिस मीन्स x = 27/8 हमारा ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब हमने चेक भी करना है कि वेदर x = 27/8 इज द राइट सोल्यूशन और रॉन्ग। तो चेक करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो इसमें तो कुछ पुट करने की हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी x नहीं है। तो राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 8 × x - 3। तो देखिए इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आई, 27/8 - 3। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे ज्यूम कर लेंगे कि 1 है, तो 8 × अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 27 - 8 × 3
24 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू 8 इंटू 27 में से 24 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 3/8 है, 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास 3 बचा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 था, राइट हैंड साइड में भी 3 है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मींस एक्स इक्वल टू 27/8 जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ऑलराइट, आगे करते हैं बी पार्ट इसी का। पार्ट नंबर बी इज, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, -5 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, हम यहीं पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो जैसे 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू -5, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरी पूरी टर्म्स को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो इसमें कोई भी साइंस जो है वो चेंज नहीं होंगे, बस हमने ये वाली जो एक्सप्रेशन थी इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और -5 जो कांस्टेंट टर्म थी वो उसको राइट हैंड साइड में ले गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ, उसके बाद बीच में माइनस का साइन और 4 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स साइन बीच में माइनस का और फिर 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 इक्वल टू -5। दिस मीन्स 4 इंटू एक्स 4x -8 इक्वल टू -5। दिस मीन्स ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, 4x इक्वल टू माइनस का 5 है, ये -8 को हम जब राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो दिस मीन्स 4x इक्वल टू 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 8 में से 5 गए तो कितने आ गए आपके 3, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्यों, 8 हमारा बड़ा नंबर है और 8 के साथ 8 का साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो दिस मीन्स x इक्वल टू 3/4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 3/4, वेरिएबल जो x था उसकी वैल्यू क्या आई 3/4। अब इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन हमारी क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 3/4 माइनस 2, दिस मीन्स 4 इंटू, अब यहाँ पे 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ले लिया, एलसीएम जो आएगा 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4 1 4, तो क्या आया हमारा 4, तो 4 आ गया। अब देखिए ऊपर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4/4 1 आएगा और उस 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 1 1 ही रहेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, 4 को डिवाइड करना है 1 के साथ तो 4 के साथ ही होगा, तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, 4 × 2 = 8, 4 इंटू अब 3 - 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 आएगा, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर नंबर है एज कम्पेयर टू 3, तो -5/4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी -5, राइट हैंड साइड में भी -5, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम नीचे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3/4 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, इसी के तरह से बाकी वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी वाले पार्ट भी इसी तरह से हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, जो सॉल्यूशन है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।